नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वेबनार्स बाय लेजेंड्स ऑन वेनसडेज, अनदर हिस्टोरिक वेबिनार. फर्स्टली आई लाइक टू वेलकम ऑल द पैनलिस्ट, एंड टुडे इज अ सुपर स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज अलका विश्वास जी इज गोइंग टू एड्रेस अस एंड स्टार्ट दिस वेबिनार विद हर ओपनिंग नोट. आप सबको पता है कि हम सब ने मिलके एक संकल्प लिया है कि 11 लाख लोग 11 बजे 11 बारी हम सब मिलके हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे 21 तारीख को. और इस सारे इवेंट को कंसीव करने वाले और इस इवेंट को प्लान करने वाले और इस इवेंट को इंप्लीमेंट करने वाले अलका जी, अलका विश्वास जी, वैदिक धर्म संस्थान के आर्ट ऑफ लिविंग के अलका विश्वास जी हमारे साथ हैं आज. तो मैं चाहूंगा कि आज का जो सेशन है बहुत एक्साइटिंग सेशन है, क्योंकि इस इवेंट के बारे में भी हम बात करेंगे और मान साहब जो हैं आज हमें भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान दोनों के बारे में पूरा ज्ञान देंगे योगेश जी के साथ. तो आज का जो इवेंट है उसकी शुरुआत करने के लिए और उसको और स्पेशल बनाने के लिए आज के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है अलका विश्वास जी, एंड आई वुड रिक्वेस्ट हर to please come on and take this event forward and tell us what she's planning for the 21st and how this is going to be the most historical event ever witnessed on earth. Thank you. Yes. Alka, thank you Rajat ji, and thank you to all of you all. You know, I think itna acha ek lehar uth raha hai aur is samay jab sab soch rahe acha mera kya hoga, mere job ka kaise karenge, main kya karu, uske badle hum ye soch rahe hain चालीसा कैसे और लोगों तक पहुंचाए, कैसे भक्ति को बढ़ाए. सो इट इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग. तो जब बार बार ये घटनाएं घट रही थी तो हम हमारे एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास गए और पूछा, अच्छा ऐसे क्या कर सकते हैं जो जपने से सबको शांति मिले, विश्व में शांति हो. तब सभी एस्ट्रोलॉजिस्ट ने कहा कि हनुमान चालीसा इस समय करने से इसका बहुत अधिक फल होगा, और अगर बहुत लोग करें तो उसका फल भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. तब ये सोच आई कि चलो कुछ लाख लोग मिलके करते हैं. फिर जब से रजत जी और आपकी पूरी टीम ने हमें ज्वाइन किया तो वो नंबर बढ़ता ही गया, और सडनली एक छोटी सी प्लानिंग एक बड़े इसमें हो गई. और सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनली भी लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से, यूएस से, नेपाल से. तो ये जो एक छोटा इवेंट था अब वो अंतर्राष्ट्रीय इवेंट बन गया है. और क्यों जरूरी है, सब जानते हैं कि हनुमान चालीसा में ये लाइन आती है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा. तो इस समय हम सभी प्रकार के संकट का सामना कर रहे हैं ना, शारीरिक हो, मानसिक हो, जॉब को लेकर, या अपने मन में कितना ऊपर नीचे चल रहा है. तो इसको जब हम हनुमान चालीसा करते हैं तो बल मिलती है, बुद्धि मिलती है और विद्या मिलती है. बल कैसे मिलेगा, अभी बल मिलेगा हमको जपने से, और फिर हम देख सकते हैं कैसे इसको हम इस्तेमाल कर सके, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ की आवश्यकता सबको है. बुद्धि जरूरी है, क्योंकि अगर अपने बिजनेस पहले की तरह नहीं चल रहा है तो जब बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी तो वी कैन हैव इमेजिन मोर इनोवेटिव थिंग्स. तो जरूर जब हम सब मिलके इसको करेंगे, जो चाहता है ना, जैसे लाइक अ ब्लैंक चेक, आपने बोला मुझे बुद्धि चाहिए तो ओके वो मिल जाएगी, आपने बोला मुझे बल चाहिए डन वो मिल गया, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए डन. सो वॉट एवर यू विश, इट्स लाइक इट्स योर विश एंड हनुमान जी इज गोइंग टू से तथास्तु, इट इज डन. और फिर हमने जब रजत जी और योगेश जी से बात हो रही थी, सोचा हम 11 दिए जलाएंगे उस समय, और पहला दिया खुद के लिए. तो पूज्य श्री रविशंकर जी कहते हैं खुद का जब गड़ा भरा हो तब हम छलक सकते हैं. तो पहली बार जब हम हनुमान चालीसा का जाप करेंगे हम खुद के लिए प्रार्थना करेंगे, मुझ में बल हो, मुझ में शक्ति प्राप्त हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं. फिर हम अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, और ऐसे बढ़ते बढ़ते अपनी चेतना जब पूरी तरह फैल गई होगी बहुत बार चैंट करके, हम जो लास्ट दिया है वो विश्व के लिए, नो प्रेयर फॉर द वर्ल्ड, प्रार्थना के पूरे विश्व में शांति हो, पूरे विश्व में अच्छा एक वातावरण बने. क्योंकि अगर हम खुश हैं पर कहीं वॉर चल रहा है, जैसे कल हमने देखा चाइना के साथ क्या हुआ, या कोई और खुश नहीं है तो उसकी तरंगे हम तक पहुंचती है. तो दिस वन थॉट के चलो खुद के लिए, फिर अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, और फिर विश्व के लिए.
सो मूविंग फ्रॉम वन डॉट टू द होल वर्ल्ड. तो ये पूरा प्लानिंग हम ऐसे करेंगे. अपने आर्ट ऑफ लिविंग के सिंगर्स हैं जो हमारे साथ हनुमान चालीसा के लिए उस दिन जुड़ेंगे, आप सब लोग उस दिन हमारे साथ होंगे. और सोचिए आखिर में वो 11 दिए जल रहे हैं, 11 लाख से भी ज्यादा परिवार जुड़ रहे हैं, और इतने सब लोग जब प्रार्थना करते हैं ना उसका असर जरूर होता है. रजत जी, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि कैसे हो सकता है इसका असर. एक एग्जाम्पल है, कुछ कल या परसों हमने देखा, वन एक्टर गेव अवे हिज लाइफ. जो लोग उनसे कनेक्टेड नहीं थे उनको भी बहुत दर्द महसूस हुआ, अभी भी महसूस हो रहा है. तो अगर किसी के लॉस से हमें दर्द महसूस होता है तो आप सबको नहीं लगता कि जब इतने लोग चैंटिंग करें तो उसका पुण्य या उसका फल भी हमें महसूस हो? इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट, यू नो. तो जैसे अभी सब हम लॉकडाउन में नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स कहाँ है नहीं पता, पर जब आप उसमें एक मूवी टाइप करते हैं आपके स्क्रीन पे दिख जाती है. वैसे ही हनुमान जी कहाँ है हमें नहीं पता, पर ये पता है कि उनकी कभी वो है इस धरती पे, हमेशा है. जब इतने लोग एक साथ उस एनर्जी को पुकारते हैं, देयर इज नो चॉइस बट दैट एनर्जी विल बी वाइब्रेंट इन ऑल ऑफ अस. वो शक्ति हम सब में विराजमान हो जाएगी. तो बस आप सबको अनुरोध है, प्रार्थना है कि हमारे साथ जुड़े. आप बहुत बड़े नंबर में जुड़ ही रहे हैं. सब मिलकर विश्व शांति के लिए, अपने खुद की शांति के लिए प्रार्थना करें. That's all I would like to say. Rajat ji, if you have any questions, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप जरूर पूछ सकते हैं. Thank you, thank you so much. We have no questions. We have absolutely no questions. We only have faith, and our faith is undying. And we know that when you've initiated something with so much of love and passion for the whole world, we are glad to be part of this faith. We are glad to be part of this historic movement. I won't even call it a moment, it's a movement. But our team has taken it like a mission. We call it Mission 21. And we had started with 11 lakhs. Our team is now calling it Mission 21. So you are, even though the date is 21, we are trying to make it 21 lakhs. Wow. So we assure you that ना केवल हम आपके साथ जुड़ेंगे उस दिन, लेकिन पूरे दिल से जुड़ेंगे, पूरे श्रद्धा से जुड़ेंगे, पूरे प्योरिटी से जुड़ेंगे, पूरे एहसास से जुड़ेंगे. और हम और हमारे परिवार, ये जो आपने 11 दिए बोले हैं, इस देश में सेफ शॉप के परिवार और आर्ट ऑफ लिविंग के परिवार और वैदिक धर्म संस्थान के परिवार सारे मिलके 1,21,00,000 दिए कम अज कम जलाएंगे 21 तारीख. Thank you so much, Alka ji. You're very, very kind to come and address us. I would now like to call upon Sunil Kumar Mann saab to take this even forward. And yes, Rajat ji, just while you're taking everyone forward, मुझे लग रहा है Rajat ji safe shop के द्वारा अपना तो वो कृष्ण ने बोलते ना डंडी लगा ली, उन वो तो अपना 100% दे रहे, पर यहाँ बैठे हुए सभी लोग, अगर आपने परिवार को रजिस्टर किया वंडरफुल, पर अपने दोस्त जिनको भी जानते हो, जैसे अपनी अपने घर पे शादी हो तो हम क्या करते हैं, सबको बुलाते हैं ना. तो ये हनुमान चालीसा, ये सोचना मेरे ही घर की शादी है, बस ये मेरी जिम्मेदारी है इसको दुनिया भर में ले जाने की. और इस भाव से आप सब लोग जुड़े, काम करे, लोगों तक पहुंचाए, उसका फल मुझे लगता है हमें जरूर मिलता है. मैंने अपने अनुभव में देखा है, 26 साल से मैं गुरुदेव के साथ हूँ, जब भी मैंने कुछ किया है उसका फल किसी ना किसी तर पे लाख गुना ज्यादा उन्होंने मुझे दिया है. बस आप सबको यही अनुरोध है, प्रार्थना है, हम सब मिलेंगे सेफ शॉप के परिवार आर्ट ऑफ लिविंग के साथ 21 जून को 11 बजे. एक ऐसा अनूठा मिशन हम करेंगे, सभी लोग याद रखेंगे हम. जय गुरुदेव. थैंक यू अलका जी. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. गुरुदेव ने कहा था सौभाग्य में कि 20-20 में विजय ही विजय. तब हमने, उन्होंने हमें सबको ब्लेस किया था और बोला था 20-20 में विजय ही विजय. तब हमने सोचा कि हम एक लाख लोगों का एक बड़े से स्टेडियम में बहुत सुंदर एक इवेंट करेंगे, लेकिन हमारी सोच छोटी थी क्योंकि उनका जो ब्लेसिंग था वो बहुत ज्यादा बड़ा था. तो उन्होंने ये विजय ही विजय हमारे लिए
21 जून को अपने ही मन से अनाउंस कर दिया और हमारे लाखों लोग जुड़ रहे हैं 11-11 दिए जला के। इससे बड़े विजय की प्रतीक मेरे ख्याल से हमारे लिए नहीं हो सकता। तो ये हमारे में ये जो 21 तारीख को हो रहा है ये असल में सबकी विजय ही विजय है। और पूरे दुनिया पे जितने भी ये प्रॉब्लम्स आ रखे हैं इसके ऊपर विजय ही विजय है। तो उन्होंने हमें हमारी विजय के लिए नहीं ब्लेस किया था, मेरे ख्याल से उन्होंने हमारे को पूरे दुनिया के प्रॉब्लम्स को मिटाने के लिए जो सोल्यूशन उन्हें अपने मन से सोचा था उसकी विजय विजय के लिए ब्लेस किया था। और हम चाहेंगे कि हम लोग सब 100% अपना दें और दे भी रहे। दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, सारी टीम्स लगी हुई हैं और इस विजय विजय को सबके लिए पूरी दुनिया के लिए प्राप्त करें। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच अगेन। एंड नाउ आई'd लाइक टू कॉल सुनील मान साहब टू टेक दिस इवेंट फॉरवर्ड। मान साहब प्लीज वेलकम टू द वेबिनार्स बाय लेजेंड्स। थैंक यू सो मच रज सर, थैंक यू सो मच अलका मैम, आपने हमें इतना कीमती समय हमें दिया और इतना अच्छा मार्गदर्शन हमारा किया और मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी भविष्य में भी हमें मार्गदर्शन देती रहेंगी। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आज अपने उन 20 शहीदों को प्रणाम करना चाहूंगा, उनकी शहादत को सलाम करना चाहूंगा जिन्होंने कल हमारे देश की रक्षा के लिए चाइना बॉर्डर पर अपनी जान दे दी। ऐसे समय में उनके परिवारों के लिए और उनके सभी साथियों के लिए श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और उनको हिम्मत ऊपर वाला दे इसकी दुआएं हम सब मिलकर करते हैं। दोस्तों आज मैं चर्चा करने वाला हूं दो महान ग्रंथों के ऊपर। आज हम बहुत धन्य हैं कि हम सेफ शॉप के साथ एसोसिएटेड हैं, हम बहुत धन्य हैं, हम गौरवान्वित और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हम सेफ शॉप परिवार का हिस्सा है और हम एक इतने महान कार्य के पीछे लगे हुए हैं और एक बड़ा मकसद के लिए हम काम कर रहे हैं। हमें बहुत गर्व है इस बात पर कि आज सेफ शॉप के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी बॉडी और हमारे सोल दोनों के लिए सुख और शांति और समृद्धि का रास्ता हमें देते हैं। आज मैं बॉडी के प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा उन ग्रंथों की, महान ग्रंथों के बारे में जो हमारे मन को शांति देते हैं, हमारे मन को तसल्ली देते हैं, हमें अंदर से मजबूत बनाते हैं। और वो हमारे दो पवित्र ग्रंथ हैं भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान। मैं एक एक करके बहुत ब्रीफ में उनके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। भगवत गीता जी के बारे में तो हम सब जानते ही, हम सेफ शॉप एडवाइजर्स बहुत तन मन से भगवत गीता का प्रचार करने में लगे हुए हैं और हमारा संकल्प है कि हम पूरी दुनिया में हर घर में भगवत गीता का प्रचार करेंगे और हर घर तक हम गीता को पहुंचाएंगे और हम पहुंचा भी रहे हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं भगवत गीता कोई रिलीजियस बुक नहीं है, ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है, ये पूरी मानवता के लिए है। यहाँ पर जितने भी इसमें श्लोक दिए गए हैं, इसमें जो भी टीचिंग्स हैं वो पूरी मानवता के लिए है, पूरी मानवता को शक्ति देने के लिए है। ये किसी धर्म से रिलेटेड ग्रंथ नहीं है, ये दुनिया की सबसे महानतम पवित्र ग्रंथों में से एक है जो हमें जिंदगी का तरीका सिखाती है कि जिंदगी हमें कैसी जीनी चाहिए। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें दिखाता है, बताता है, समझाता है, गाइड करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, एक आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए। भगवद गीता हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी, हमारा जीवन कैसे और ज्यादा सार्थक हो सकता है, हमारा जीवन और ज्यादा मीनिंगफुल कैसे हो सकता है। ये टीचिंग हमें मिलती है भगवद गीता से। भगवद गीता हमारे दिमाग को ट्रेन करना सिखाती है। भगवद गीता बताती है कि हम अपने दिमाग पे, अपने मन पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने दिमाग को हम किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं, कर सकते हैं पॉजिटिवली, हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स कैसे हम कंट्रोल करें और पॉजिटिव थॉट्स हमेशा उसके अंदर कैसे जमा के रखें, बना के रखें, ये ट्रेनिंग हमें भगवद गीता से मिलती है। भगवद गीता बहुत ही शानदार ग्रंथ है और भगवद गीता में अगर मैं बात करूं तो हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें बताता है कि एक मेंटोर और एक फॉलोअर के बीच का रिलेशन कैसे होना चाहिए। जिस तरह के बिजनेस में हम हैं, डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, शेप्स ऑफ बिजनेस में हम सबका कोई अपलाइन होता है और हम सबके बहुत सारे डाउनलाइंस होते हैं और उन अपलाइन और डाउनलाइंस के बीच का जो सबसे अच्छा रिलेशनशिप किस तरह का होना चाहिए उसका एक आइडियल उदाहरण है भगवद गीता में, जब भगवान कृष्ण मेंटोर के तौर पर और अर्जुन जी उनके फॉलोअर के तौर पर किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, वो किस तरह का संबंध उनके बीच में होता है, भगवद गीता हमें वो सिखाती है। अगर भगवद गीता को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे अपलाइंस और डाउनलाइंस के बीच के जो रिलेशन है बहुत ही शानदार हो जाएंगे, बहुत मजबूत हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि हम सब के सब भगवद गीता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, समझेंगे और उसको अपने जीवन में उतार लेंगे।
भगवत गीता को मैं एक ग्रंथ नहीं, भगवत गीता एक मैनुअल है जो हमारी जिंदगी की तमाम दुविधाओं में हमें क्या करना चाहिए, ये हमें सीख देती है कि जब भी हमारे दिमाग में दुविधा हो, जब भी हमारे मन में दुविधा हो, जब हमारे विचारों में द्वंद्व चल रहा हो कि ये करना चाहिए कि वो करना चाहिए, क्या ये सही है या गलत है, जब इस तरह का द्वंद्व हमारे दिमाग में चल रहा हो तो हमें भगवत गीता की शरण में जाना चाहिए। भगवत गीता में दुनिया की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और जो कि भगवान ने हमें खुद दिया है। अगर हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, उसको समझते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको आत्मसार करते हैं तो ये हमारे पारिवारिक जीवन के लिए, हमारे सामाजिक जीवन के लिए, हमारे शारीरिक जीवन के लिए, हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए, हमारे आर्थिक, हमारे व्यापारिक, भौतिक, बौद्धिक और मानसिक जीवन में जो भी कमियां हैं उनको ठीक कर सकता है और इसके अनुसरण से हमारे जीवन में बहुत सारी समृद्धि आ सकती है। हर तरह की लाइफ को हमारे टच करती है भगवत गीता। आज से 5200 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने खुद सिर्फ 700 श्लोकों के माध्यम से हमें बताया कि हमारी जीवन की दुविधाओं का सॉल्यूशन क्या है। इसके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ये सिर्फ सीधे भगवान की वाणी है, ये भगवान की टीचिंग है जो हमें सीधा मिल रही है भगवत गीता के माध्यम से। भगवत गीता के बारे में अगर हम नटशेल में समझना चाहें तो 5200 साल पहले इसके बारे में बताया गया था, ये हमारे जीवन में आई थी, हमारी दुनिया में आई थी भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, लेकिन आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, आज ही उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी 5200 साल पहले थी और ये हमेशा के लिए जिंदगी भर हमारी नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन और आने वाली जितनी भी जनरेशन होंगी ये सबका मार्गदर्शन करेगी। आज के युग में हम देखें तो ये सबसे बढ़िया मैनेजमेंट गुरु है। दुनिया के जितने भी मैनेजमेंट गुरु रहे हैं या बड़े पावरफुल लीडर्स रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या बिजनेस लीडर्स हो या स्पिरिचुअल लीडर्स हो, सबने भगवत गीता का अध्ययन किया है, सबने भगवत गीता को पढ़ा है और ये उनको इतना पावरफुल लीडर बना है। अगर हम भी भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसका उसको समझेंगे और इसका अध्ययन करते रहेंगे और इसका प्रचार करते रहेंगे तो हम भी मैनेजमेंट गुरु बन सकते हैं, हम भी अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। भगवत गीता पढ़ने वालों में महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग, इसके अलावा नेल्सन मंडेला, आज के युग के अगर बात करें तो श्रीधरन, हमारे मेट्रोमैन, हमारे सबसे पॉपुलर राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब, इन सब ने भगवत गीता पढ़ी है और दुनिया के हर कामयाब इंसान ने भगवत गीता पढ़ी है और हम भी अगर कामयाब होना चाहते हैं तो हमें भगवत गीता को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसके बारे में सबको समझाना चाहिए। भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है, ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़कर, जिसके टीचिंग्स को लेकर बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, बहुत बड़ा शोध हुआ है भगवत गीता के ऊपर और बहुत पॉपुलर किताबें उसके एक्सट्रैक्ट्स के, उनके कुछ टुकड़े लेकर, उनमें से कुछ एक्सट्रैक्ट लेकर बहुत अच्छी अच्छी किताबें ली गई हैं जिनकी बिलियंस कॉपीज दुनिया भर ने पढ़ी है और बिकी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम में से काफी लोगों ने पढ़ा है, समझा है, जाना है, इसके लेखक स्टीवन आर कोवी, इनके ऑथर जिनकी एक और किताब है 7 Habits of Highly Effective People, ये सब भगवत गीता के एक्सट्रैक्ट हैं और अगर भगवत गीता से इतनी अच्छी अच्छी पॉपुलर किताब निकल सकती हैं और भगवत गीता को अगर हम आत्मसात करें तो हमारा जीवन कितना कामयाब हो सकता है इसकी सिर्फ हम कल्पना ही कर सकते हैं। भगवत गीता के अगर कुछ टीचिंग्स के बारे में बात करूं तो भगवत गीता की जो सबसे इम्पोर्टेंट टीचिंग है जो मुझे समझ में आती है, भगवत गीता हमें कर्म करना सिखाती है, हमें हार्ड वर्क करना सिखाती है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करना सिखाती है। भगवत गीता कहती है, हमें बताती है, उसका हमारे लिए संदेश है कि आप अपना कर्म कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए, अपना जो आपकी ड्यूटी है उसको आप अच्छी तरह से पूरा कीजिए और फल को भूल जाइए, फल अपने आप ऊपर वाला हमें देगा। हम सेल्स और बिजनेस में हैं, हम सब जब किसी के पास जाते हैं तो हम एक दुआ लेकर जाते हैं कि जिस परिवार में मैं गया हूँ, जिस परिवार में मैं जा रहा हूँ या जिसके साथ में बैठा हुआ हूँ, जिसको मैं ये बिजनेस बता रहा हूँ, ये परिवार हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ इनका भी भला हो, इनका भी उद्धार हो, इनके घर में भी वो सारी खुशियां आए। और बहुत बार ऐसा होता है कि वो हमारी बातों को सुनते हैं और बहुत बार ऐसा होता है हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हम कभी भी हतोत्साहित नहीं होते क्योंकि हम जानते हैं कि हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। तो भगवत गीता की जो सबसे अच्छी टीचिंग जो मुझे लगती है पर्सनली वो है कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। भगवत गीता हमें कंसिस्टेंसी सिखाती है, भगवत गीता बताती है कि हमें निरंतर काम करना चाहिए, लगातार काम करना चाहिए, हमें अप्स एंड डाउन की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो ये हमारी जिंदगी में, हमारे बिजनेस में बहुत ही अच्छा परिवर्तन लेकर आएगी। भगवत गीता पॉजिटिव थिंकिंग
पर फोकस करती है। भगवद गीता कहती है कि आप सिर्फ पॉजिटिव सोचिए, आप अपने दिमाग में नकारात्मक विचारों को मत आने दीजिए। भगवद गीता हमें बताती है कि पॉजिटिव विचार अगर लगातार आपके दिमाग में रहेंगे, अगर आप अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहेंगे और उसके बारे में सोचते रहेंगे, तो बहुत कुछ पॉजिटिव आपकी लाइफ में होगा, जो कि हो रहा है। आज लाखों सेल्स शॉपर्स, हमारे हजारों लीडर्स इस बिजनेस में कामयाब है, वो लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं। इस नेगेटिव माहौल में भी वो पॉजिटिव सोच रहे हैं और उसमें एक बहुत बड़ा रोल भगवद गीता का भी है। भगवद गीता हमें एक बैलेंस लाइफ सिखाती है, अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे करना है, ये भगवद गीता को हम पढ़कर सीख सकते हैं। संतुलित जीवन कैसे जीना है, ये हम कैसे भगवद गीता से सीख सकते हैं। अपनी फैमिली लाइफ, अपने प्रोफेशनल लाइफ, अपने बिजनेस लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में हम किस तरह का सामंजस्य बना सकते हैं, किस तरह से बना सकते हैं, ये हमें भगवद गीता को समझ में पढ़ने से समझ में आता है। भगवद गीता हमें मदद करती है अपने गोल्स पर लगातार फोकस करने पर। डिस्ट्रैक्शन से बचना कैसे है, डिस्ट्रैक्शन जो लाइफ में होते हैं उनसे हम कैसे बच सकते हैं, किस तरह से अपना फोकस हम रख सकते हैं लगातार अपने गोल्स के ऊपर, ये भगवद गीता से हम सीख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ नेगेटिव नहीं होते हैं, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ कोरोना नहीं है, डिस्ट्रैक्शन सिर्फ चाइना का अटैक या चाइना के साथ में कॉन्फ्लिक्ट, सिर्फ डिस्ट्रैक्शन वो नहीं है। डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं लेकिन हमारी लाइफ को, हमारे हमारे फोकस को हिला देते हैं। मैं एग्जाम्पल देने जाऊंगा, हमारे लीडर्स जो हमें सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं आज, जो हमारे नए लीडर्स भी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रैक्शंस किस तरह के होते हैं पॉजिटिव, जब कोई व्यक्ति सिल्वर बनता है उसके बाद उसका बिजनेस अफेक्ट हो जाता है कई बार, क्योंकि वो फोकस उसका हिल जाता है, उसको लगता है मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया। सिर्फ सिल्वर नहीं, कोई गोल्ड बनता है या डायमंड बनता है, डायमंड बनने के बाद ही मैंने देखा है बहुत सारे लीडर्स का बिजनेस थोड़ा हिल जाता है। कुछ हम नया अचीव कर लेते हैं, कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई टारगेट अचीव कर लेते हैं उसके बाद हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट ना हो, पॉजिटिव कोई चीज हमारी जिंदगी में हो या नेगेटिव चीज हमारी जिंदगी में हो, कोई भी हो, उसके बाद भी हम डिस्ट्रैक्ट ना करें, हम फोकस रहे, हम लगातार अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहे। इसका मैं एक एग्जांपल आप सबको देना चाहूंगा। बहुत साल पहले जब हिंदुस्तान ने पहली बार एक इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में शूटिंग में, अभिनव बिंद्रा ने वो गोल्ड मेडल जीता था हमारे लिए, देश के लिए, और हमारा सबका सर ऊंचा किया था गर्व से। मुझे याद है जब मैं उनको लाइव देख रहा था, आपने भी देखा होगा और वीडियो शायद आपके दिमाग में एक बार आ जाए, जब उन्होंने फाइनल शॉट मारा था और बुलसाई किया था और उसके बाद उन्होंने गोल्ड मेडल अचीव किया था, उनके चेहरे पे जरा भी रिएक्शन नहीं था, वो चिल्लाया नहीं, उसने वो जो पंप करते हैं एयर में या हल्ला मचाते हैं और उछल जाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, कोई सेलिब्रेशन नहीं किया, इतना शांत मन उसका उनका था कि जैसे वो पहले से ही वर्ल्ड चैंपियन था, वो वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक चैंपियन उस पल पे बना था लेकिन वो मन से पहले ही वर्ल्ड चैंपियन बन चुका था। इस तरह की मानसिक संतुलन हमें देती है भगवद गीता कि जब कोई बड़ी नकारात्मक परिस्थिति हो तब हम पूरी तरह से निराश ना हो जाए, हमारे चेहरे पर ना आए, और जब हम बहुत बड़ी खुशी हासिल कर ले तब भी हम इतना आसमान में ना उड़ लगे, हमारे जमीन पर पैर टिके रहे, ये हम सीख सकते हैं भगवद गीता से। हम सब जानते हैं, सोशल मीडिया में हम देखते हैं और समझते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का भी एक फेवरेट गिफ्ट है, जब भी कोई विजिटिंग हेड ऑफ द स्टेट हमारे देश में आता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बहुत गर्व के साथ में उन्हें भगवद गीता भेंट करते हैं, और ये कल्चर अगर हम सब फॉलो कर ले तो हम सबकी जिंदगी में बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर भगवद गीता को एक बात में समझना है किसी को भी, तो भगवद गीता कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी पावरफुल ग्रंथ है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में कितना अच्छा परिवर्तन ला सकती है, उसका एक उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। महाभारत जिसमें दो बहुत ही बड़े कैरेक्टर थे, एक दुर्योधन और एक अर्जुन। अगर महाभारत की बात करें तो दुर्योधन के पास ताकत थी, बहुत बड़ी सेना थी, उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसके पास धन दौलत थी, उसके पास बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन उसके पास कृष्ण का ज्ञान नहीं था, उसके पास गीता का ज्ञान नहीं था। ऑन द अदर हैंड अर्जुन के पास में बहुत बड़ी फौज भी नहीं थी, बहुत बड़ा पैसा भी नहीं था, उसके पास सेना भी नहीं थी, लेकिन उसके पास एक मेंटोर था, उसके पास एक गाइड था, उसके पास श्री कृष्ण भगवान थे और उनकी टीचिंग थी, उनके पास भगवद गीता का ज्ञान था। हम सब जानते हैं अल्टीमेटली क्या हुआ, ताकत पैसा सेना सब पीछे रह गया लेकिन ज्ञान हमेशा ऊपर रहता है। अगर हम सबके पास में भगवद गीता है तो हम कोई हरा नहीं सकता है, हमें कोई डिफीट नहीं कर सकता है, हम कभी नकारात्मक नहीं सोच सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूंगा संपूर्ण हनुमान के बारे में। संपूर्ण हनुमान हमारा बहुत ही शानदार एक नया ग्रंथ जो हमने पब्लिश किया है, जो एकमात्र ग्रंथ है जो खुद बोलता है। संपूर्ण हनुमान के बारे में अगर मैं कुछ चर्चा करूं आपके साथ में, क्यों ये हमारा नया ग्रंथ है जो अभी हमने मार्केट करना शुरू किया है और ये हमने अब घर तक पहुंचाना है, इसके बारे में ज्यादातर हमारे नए एसोसिएट्स नहीं जानते हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा। इसमें 13 अध्याय है,
पहले अध्याय में हम श्री रामचंद्र जी के बारे में जानते हैं, दूसरे अध्याय में हनुमान जी के बारे में जानते हैं, तीसरे अध्याय में हम हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए वो हम समझते हैं, फिर हनुमान चालीसा, उसके बाद सुंदरकांड का वाल्मीकि वर्षन, उसके बाद सुंदरकांड का तुलसीदास का वर्षन, उसके बाद राम रक्षा सूत्र, उसके बाद बजरंग बाण इसके अंदर एक अध्याय है, हनुमान कवच इसमें है, हनुमान बहु किसमें है, हनुमान तंत्र यंत्र श्रोत्र और मंत्र, ये 13 अध्याय में हमारा ग्रंथ है और ये 9 भाषाओं में है। हमारी भगवद गीता सिर्फ 3 भाषाओं में थी, संस्कृत हिंदी और इंग्लिश, लेकिन हमारे बहुत सारे एसोसिएट्स और हमारे लीडर्स की ये भावना थी कि इसको हमें रीजनल लैंग्वेज में भी अगर होता तो हम रीजनल लैंग्वेजेस में लोगों की मदर टंग में भी हम उनको गीता का ज्ञान दे पाते, वो हम हो सकता है कभी आगे गीता में भी ले पाए, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है कि हमारा जो संपूर्ण हनुमान ग्रंथ है ये 9 भाषाओं में है, ये हिंदी में है, इंग्लिश में है, संस्कृत है, गुजराती में है, नेपाली में है, असमीज में है, तमिल में है, तेलुगु में है, मराठी में है और कन्नड़ा में है। 9 भाषाओं में हम संपूर्ण हनुमान का ज्ञान ले सकते हैं। संपूर्ण हनुमान में हम जानेंगे हम उनको भगवान क्यों मानते हैं, ये हम समझेंगे संपूर्ण हनुमान के माध्यम से। हम भगवान क्यों मानते हैं श्री राम जी को, ये हम समझ पाएंगे संपूर्ण हनुमान पढ़कर। भगवान के अंदर, श्री भगवान के अंदर, रामचंद्र जी के अंदर वो कौन सी 6 क्वालिटीज थी जो उन्हें भगवान का दर्जा दिलाती है, अगर वो 6 क्वालिटीज हम भी अपने जीवन में अपना लें तो हमें भी भगवान का दर्जा मिल सकता है, हम भी उसके करीब पहुंच सकते हैं। वो 6 क्वालिटीज क्या हैं वो हमें संपूर्ण हनुमान को पढ़ने के बाद समझ में आएंगी। भगवान राम को वो कौन सी 12 कलाएं थी वो हम समझ पाएंगे संपूर्ण हनुमान को पढ़कर। संपूर्ण हनुमान को पढ़ने के बारे में बाद में हमें समझ में आएगा कि हमें राम हनुमान जी की पूजा क्यों करनी चाहिए, हनुमान जी की पूजा करने से क्या फायदे होते हैं, ये हम संपूर्ण हनुमान को पढ़कर समझ पाएंगे। और वो कौन सी शक्तियां, कौन सी सिद्धियां थी हनुमान जी के पास में जिसकी वजह से आज वो सबसे पावरफुल और सबसे आइडियल एक फॉलोअर माने जाते हैं और उनको हम भगवान मानते हैं और उनकी हम सब पूजा करते हैं। संपूर्ण हनुमान में हम सुंदरकांड में पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे कि भगवान राम ने अयोध्या से लंका जाने के टाइम पे कौन सा रूट फॉलो किया था, कौन से रास्ते से वो गए थे। इसमें हम समझ पाएंगे भगवान रामचंद्र जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी जिंदगी के बारे में, वो कैसे थे, उनकी विचारधारा कैसी थी, वो कैसे दिखते थे। और आज के जमाने में भी बहुत ही प्रासंगिक चीज है, एक बहुत ही प्रासंगिक कॉन्सेप्ट है, राम राज्य। एक आइडियल स्टेट कैसा होना चाहिए, एक राज्य कैसा होना चाहिए, एक आइडियल स्टेट की परिकल्पना जो भगवान राम ने की थी, राम राज्य, उसके बारे में हम समझ पाएंगे, जान पाएंगे, जो किसी भी सरकार के लिए, किसी भी देश के लिए एक मॉडल है कि उसको अपने देश की प्रजा का ख्याल कैसे रखना चाहिए। सो राम राज्य की थॉट हम समझ पाएंगे। हनुमान चालीसा इस संपूर्ण हनुमान के अंदर 8 अलग अलग ट्यून्स में है, मैं उसका डेमो भी देने की कोशिश करूंगा आपको थोड़ी सी देर में। ये 8 अलग अलग ट्यून्स में है, थोड़ा स्लो है, थोड़ा फास्ट है, मेल वॉइस में है, फीमेल वॉइस में है, और बहुत ही मेलोडियस तरीके से हनुमान चालीसा गाई गई है, और मैं आपको उसका एक छोटा सा डेमो जरूर देना चाहूंगा थोड़ी सी देर में। ये 15 दुनिया के जो बहुत ही महान शानदार सिंगर्स हैं, बहुत ही रेनॉर्ड सिंगर्स हैं, उन 15 मेलोडियस वॉइस से हनुमान चालीसा गाई गई है। और उसमें जो हनुमान चालीसा आप जानते हैं, हमारे पास जो संपूर्ण हनुमान है ये टॉकिंग संपूर्ण हनुमान है, इसको पढ़ने के साथ साथ आप सुन सकते हैं, तो जो आवाज है जो बहुत ही मधुर आवाज है और बहुत ही शानदार 15 सिंगर्स की आवाज लेकर हमने ये ग्रंथ तैयार किया है। इसके अंदर, इस ग्रंथ के अंदर 180 से ज्यादा आर्ट इलस्ट्रेशंस हैं, बहुत ही शानदार आर्ट वर्क इसके अंदर किया गया है, और वो आर्ट इलस्ट्रेशन जो है वो इंटरेक्टिव है, वो बोलती है, वो तस्वीरें ऐसी हैं, वो आर्ट ऐसा है जो खुद बोलता है, अपने आप को खुद एक्सप्लेन करता है। और जब आप इसको अपने बच्चों को दिखाएंगे या किसी भी बच्चे को दिखाएंगे तो वो पागल हो जाएंगे और इसके प्यार में पल जाएंगे, इस तरह से इसको अपना लेंगे जिस तरह से वो किसी और ग्रंथ को नहीं अपनाते हैं। सो बहुत ही शानदार ये ग्रंथ है, जो बहुत ही इंटरेक्टिव और बहुत ही इलस्ट्रेटिव इसमें आर्टवर्क किया गया है, जो आप सबको बहुत पसंद आएगा। संपूर्ण हनुमान में 2 किताबें हैं, एक तो इसमें संपूर्ण हनुमान है और दूसरा है इसमें बाल हनुमान। बाल हनुमान में बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, पजल्स हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज है बच्चों के लिए, और बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा बाल हनुमान। आजकल बच्चे सुपरमैन देखते हैं, ही मैन देखते हैं, स्पाइडरमैन देखते हैं, लेकिन आई एम श्योर जब आप उनको बाल हनुमान दिखाएंगे तो बाल हनुमान के बाद हमारे बच्चे सुपरमैन, ही मैन, स्पाइडरमैन सब भूल जाएंगे और वो सिर्फ बाल हनुमान याद रखेंगे, और आपके बच्चों को ये बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। संपूर्ण हनुमान पहली बार हमने ब्रेल एनेबल्ड टेक्नोलॉजी के साथ में तैयार किया है।
जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड हैं, जो देख नहीं सकते हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं, कुदरत ने उनके शरीर में कुछ कमी छोड़ दी है, लेकिन उनके लिए उनका भी हमने ख्याल रखा है, वो ब्रेल के माध्यम से ये हनुमान का ज्ञान ले सकते हैं, इसको सुन सकते हैं, और वो पढ़ नहीं सकते लेकिन हम उनको ये ज्ञान दे सकते हैं। ये ब्रेल एनेबल टेक्नोलॉजी है, वहीं से जहाँ पर ये ब्रेल में अंकित किया गया है इस किताब की शुरुआत में, वहीं से आप इसको डायरेक्टली प्ले कर सकते हैं और वो ब्रेल के माध्यम से समझ सकते हैं कि कौन सा चैप्टर है, उसके चैप्टर के अंदर क्या है और वो कैसे प्ले करना है, वहीं से वो प्ले कर सकते हैं और संपूर्ण हनुमान को सुन सकते हैं। संपूर्ण हनुमान की खास बात कुछ और बताता हूं मैं आपको, ये ब्लेस्ड है, इसको आशीर्वाद प्राप्त है हमारे तीन बहुत ही शानदार, बहुत ही पवित्र और बहुत ही बड़े हनुमान जो मंदिर है हमारे देश में, एक है हनुमान मंदिर वाराणसी में, दूसरा हनुमान मंदिर है अयोध्या में, तीसरा हनुमान मंदिर है जो बहुत ही पॉपुलर है दिल्ली में ब्रॉड प्लेस में। इन तीनों हनुमान मंदिर से वहां से हमने तिलक सोर्स किया है, उसको मिक्स किया है और मिक्स करके इस किताब के अंदर, इस ग्रंथ के अंदर हमने उस तिलक लगाया हुआ है, तो हमें इन तीनों मंदिरों का आशीर्वाद भी साथ में प्राप्त होता है। हम वहां पर भले ही ना गए हों, वहां पर भले ही हम ना जा रहे हों, लेकिन जब ये ग्रंथ हमारे घरों में आएगा तो वो तिलक भी हमारे साथ में आएगा, वहां का आशीर्वाद भी हमें डायरेक्टली मिल रहा होगा। इस संपूर्ण हनुमान की बहुत खास चीज ये है कि इसमें एक बुक मार्क है, आपने कितना पढ़ लिया उसके बाद, नॉर्मली हम देखते थे कि पहले आप किताब के पन्ने फोल्ड हम कर लिया करते थे, क्योंकि ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको आप खुद रखना चाहेंगे संभाल कर अपनी अगली जनरेशन के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटी के लिए, अपनी पोते पोतियों के लिए, नाते नातियों के लिए, और पता नहीं कितने वो जनरेशन को आप संभाल के रखेंगे, तो इसके पेजेस आप फोल्ड ना करें, इसको आप बहुत श्रद्धा के साथ रख पाए, संभाल के रख पाए, इसलिए जो बुक मार्क है वो बुक मार्क भी स्पेशल है। ये बुक मार्क हमें अलाउ करता है लैंग्वेज चेंज करना। ये बुकमार्क जो हम किताबों में रखते हैं वो बुकमार्क इसके अंदर है, लेकिन वो लैंग्वेज सेलेक्टर का भी काम करता है और वो स्पीड को भी कंट्रोल करता है। स्पीड कंट्रोल का मतलब है कि आप चाहे तो उसकी रीडिंग स्पीड को कम कर सकते हैं या नॉर्मल सुन सकते हैं, या उसको चाहे तो तेज भी कर सकते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी सुनना चाहते हैं तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, आप धीरे धीरे सुनना चाहते हैं आनंद लेकर तो उसकी स्पीड को आप और भी कम कर सकते हैं, तो ये भी खास चीज इसके अंदर है। और जैसे कि हमारे गुरु, जगत गुरु, हमारे प्रेरणा स्रोत श्री श्री रविशंकर जी ने हमें आकर आशीर्वाद दिया था, और उनकी एक बात जो हम सबके दिमाग में और दिल में उतर गई थी, उसी बात को मैं आपको एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि योग से योग्यता मिलती है और उद्योग से जीवन चलता है। हम बहुत किस्मत वाले हैं, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सबके पास में योग करने का भी आज जरिया है और उद्योग करने का भी जरिया है। हम योग भी फैला सकते हैं, हम ज्ञान भी फैला सकते हैं, और हम ज्ञान के साथ साथ अपना उद्योग भी फैला सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार हमें अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप ने दी है, इसके लिए हम सेफ शॉप के बहुत आभारी हैं। अब मैं थोड़ा सा समय लेकर आपको हमारी संपूर्ण हनुमान के दर्शन कराना चाहता हूं, और मैं साथ में आपको दिखाना चाहता हूं सबसे पहले तो इसी स्क्रीन के ऊपर कि हमारी संपूर्ण हनुमान दिखती कैसी है। आप इसको देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार क्वालिटी है, ये इसका बॉक्स है और ये बॉक्स भी बहुत शानदार है, मैं इसको चारों तरफ से घुमाकर आपको दिखा रहा हूँ। ये बॉक्स है, ये संपूर्ण हनुमान नहीं है, संपूर्ण हनुमान इसके अंदर है, वो मैं आपको कुछ ही क्षणों में दिखाऊंगा। और इसको प्ले करने के लिए, इसकी आवाज सुनने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, इसको रीड करने के लिए हमारे पास में है ये डिवाइन गदा। ये डिवाइन गदा को मैं ऑन कर लेता हूं और इसका जो ओपनिंग है वो भी बहुत ही शानदार है। मैं चाहूंगा कि इसको आप बहुत ध्यान से सुने, मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सो बहुत ही शानदार उद्घोष के साथ में हमारी डिवाइन गदा शुरू होती है। तो आप देख पा रहे हैं इस पे ये तिलक लगा हुआ है, ये हनुमान मंदिर वाराणसी, हनुमान मंदिर अयोध्या और हनुमान मंदिर जो क्राउड प्लेस में है वहां से लाया गया तिलक है और ये मिक्स करके लगाया हुआ है इसके ऊपर, तो बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेस करके इसकी पूजा करके हम तक पहुंचेगा। उसके बाद इसमें आप देखिए बहुत ही शानदार आर्ट वर्क किया हुआ है। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि ये ब्रेल एनेबल्ड है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्रेल में सब इसके कंटेंट्स लिखे हुए हैं, इसके सारे अध्याय मार्क हैं, उसके अंदर उस अध्याय में क्या क्या है वो सब इसमें ब्रेल से आप समझ सकते हैं। हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड भाई बहन हैं वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं और ये हमारी डिवाइन गदा के माध्यम से वो सुन सकते हैं। इस भगवद गीता में मैं अभी आ जाता हूँ थोड़ा सा आगे, मैंने आपको बताया था कि ये जब हमारी डिवाइन गदा स्विच ऑफ होती है तो भी इसमें बहुत ही शानदार मैसेज हमें देती है। So, मैं आपको दिखा रहा हूं अभी स्क्रीन के ऊपर कि ये वो रूट है जो दिखाया गया है इसमें कि भगवान श्री राम ने अयोध्या से
श्रीलंका जाने के लिए कौन सा रूट फॉलो किया गया था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा आगे जाता हूँ और कुछ और मैं आपको पेजेस दिखाता हूँ। मैं कुछ पेजेस पलटता हूँ, इसमें मैं आपको बुकमार्क के बारे में बात कर रहा था। ये बुकमार्क मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वो बुकमार्क है जिसमें कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में ये दिखाया गया है और बताया गया है। मैं एक बार, क्योंकि डिवाइस स्विच ऑफ हो गई है, मैं फिर से इसको ऑन करता हूँ और आपको उसको डेमो दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आपने सुना, ये राम सिया राम के उद्घोष से शुरुआत होती है इसकी, और इसको आप पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था ये 8 अलग अलग तरह से गाया गया है समूह हनुमान हनुमान चालीसा। ये एक तरह का वर्षन है। मैं अभी दूसरे तरीके से इसको सुनाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। उसके बाद तीसरा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। ये चौथा वर्षन, श्री गुरु चरण सरोज रज निज। ये पांचवा वर्षन, ये एक और वर्षन आप सुनिए। एक और वर्षन हनुमान चालीसा, अगर आप शंख बजाना चाहते हैं तो बीच में टच करने से शंख बजा सकते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भक्तिमय भजन में 43 चौपाई शामिल है। इसमें प्रत्येक चौपाई और शब्दों का अर्थ है। चालीसा का जप हनुमान के दिव्य होने का आह्वान करता है, गंभीर समस्याओं का हल है। ये जो हमने सामने टेक्स्ट में लिखा हुआ था वही हमारी डिवाइन गदा ने हमें पढ़कर सुनाया। अब मैंने आपको बताया था कि ये 9 भाषाओं में है, तो मैं एक एक करके उनको भाषाओं में, अलग अलग भाषाओं में आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। तमिल, सबसे पहले तमिल वर्षन में सुनिएगा। पुनितमाना गुरुदेवनी पाद कमल, वॉल्यूम थोड़ा सा कम है इसलिए। पुनितपड़ती अरम पुरुल इन्पम वीडु इन्रा। मैं इसको मराठी में, मराठी माझ्या गुरुदेवाच्या चरण कमलांच्या धुळीने आपल्या मनाच्या दर्पणाला स्वच्छ करून मी श्रीराम प्रभूंच्या निर्मल यशाचा। मराठी में सुन रहे हैं वही टेक्स्ट, ते 4 प्रकार से फल। उसके बाद अगर आप इसको नेपाली में सुनना चाहते हैं, नेपाली मेरो श्री गुरुदेव को चरण कमल को दोनों बाट आफ्नो मन को ऐनालाई स्वच्छ पार्दै म श्री राम प्रभु को निर्मल यश को वर्णन गर्दछु जो 4 प्रकार को फल ये था। अगर आप असमी में सुनना चाहते हैं तो मैं असमी मोर गुरुदेव शरण ठुलि निजर मन डापन निर्मल मैं श्री राम प्रभुर पवित्र नाम वर्णना करु जी धर्म अर्थ काम और मुख। मैं एक बार तेलुगु में ट्राई करता हूँ। तेलुगु నా గురుదేవుడి చరణ కమలముల దూవితూ నా మనసుని అద్దమును స్వచ్ఛపరచుకొని నేను శ్రీరామ ప్రభు నిర్మలమైన యశస్సును వర్ణిస్తాను। मैंने आपको बताया था कि इसकी स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी नॉर्मल स्पीड में आपको सुना रहा था, लेकिन मैं अगर इसको तेज करना चाहूँ, इसको स्लो करता हूँ मैं पहले। मेरे श्री गुरुदेव अभी ये स्लो स्पीड में आपको टेक्स्ट पढ़ के सुना रहे हैं। मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए अब मैं नॉर्मल करता हूँ फिर से दोबारा। मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश ना गुरुदेव के चरण कमल। अब इसको फास्ट करते हैं। ना मनसने अद्दमुनु स्वच्छपरचुकोनि नेनु मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से
अपने मन के दर्पण को सब आपने नोटिस किया होगा कि अभी स्पीड बढ़ गई है, रीडिंग की स्पीड बढ़ गई है, तो ये आप बहुत ही यूनिक फीचर है। इसके अंदर आप बहुत जल्दी जल्दी सुन सकते हैं और बहुत स्लो रफ्तार में भी सुन सकते हैं और आप नॉर्मल रफ्तार में भी सुन सकते हैं। मैं इसको जब स्विच ऑफ करूंगा तो इसमें स्विच ऑफ करने के टाइम में भी जो इसमें जो मंत्र उच्चारण होता है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही शानदार संदेश के साथ में है। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये है वो स्पीड बार जो नीचे दी हुई है, इसमें लैंग्वेज सिलेक्शंस जो है इसमें आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे ग्रंथ को आप इस तरह से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं अलग अलग भाषाओं में, और इसके आखिर में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही अच्छा शानदार आर्ट वर्क किया हुआ है और इसमें श्री हनुमान लला की आरती भी लास्ट में दी हुई है। बहुत सारे भजन इसमें लास्ट में दिए हुए हैं जिनका आप आनंद उठा सकते हैं और आप देखेंगे बहुत ही शानदार अद्भुत कला का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बहुत ही जबरदस्त पेंटिंग की गई है और बहुत ही जबरदस्त आर्ट वर्क क्रिएट किया गया है। ये है हमारी संपूर्ण हनुमान जो कि विश्व की पहली ऐसी संपूर्ण हनुमान है जो खुद बोलती है और खुद हमें ज्ञान देती है। तो दोस्तों इसका हम जमकर प्रचार करेंगे और एक बार फिर से संकल्प लेते हैं हम सभी कि हम मिलकर संपूर्ण हनुमान और पवित्र भगवद गीता का खूब जमकर प्रचार करेंगे और हर घर में हमारे इन दोनों महान ग्रंथों का हम प्रचार करके उनके घरों में पहुंचाएंगे। और अब मैं अपॉर्चुनिटी लेता हूं कि हमारे बीच में हमारे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर जो हमें बहुत ही शानदार इनपुट देते हैं, जो हमें बहुत एनकरेज करते हैं, जो हमें इस तरह के शानदार ग्रंथों से मिलवाते हैं और हमारे लिए इसने शानदार प्रोडक्ट हमारे लिए इंट्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे बीच में है योगेश वाधवा जी। योगेश वाधवा जी को बहुत ही ज्यादा ज्ञान है भगवद गीता का भी और संपूर्ण हनुमान का भी और उन्होंने ही इसको क्रिएट करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। सो मैं देरी ना करते हुए योगेश वाधवा जी को स्क्रीन पर आमंत्रित करना चाहूंगा और हमारे इन दोनों ग्रंथों के बारे में वो कुछ और हमें मार्गदर्शन दे पाए और ज्यादा बता पाए इसके लिए आग्रह करूंगा। योगेश जी। थैंक यू मान साहब, इस प्रोडक्ट को जिस तरीके से आपने समझाया, एक फुल जस्टिस किया है आपने इस प्रोडक्ट को बहुत ही कम समय में लेकर गए, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ दो या तीन पॉइंट इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा जो इस प्रोडक्ट को बनाते हुए हम लोगों ने फील किए। नंबर वन कृपा, इस प्रोडक्ट के अंदर हमने हनुमान के अंदर कोई कॉन्टेंट के अंदर कोई नई चीज नहीं है, ये ऑलरेडी अवेलेबल है। हनुमान चालीसा फ्री में भी मिलती है, हनुमान चालीसा डाउनलोड कर दो यूट्यूब के भी अंदर है, हर हर घर के अंदर शायद 10-10 किताबें होंगी हनुमान चालीसा की, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा प्रयास भगवद गीता और हनुमान चालीसा को आपके सम्मुख लाने का सिर्फ यही था कि हम लोगों के पास होते हुए भी हम इन किताबों को पढ़ते नहीं थे, तो हमने कहा कि इसको हम इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, इसको अच्छा कैसे बनाएं और इसको इस फॉर्मेट में लाएं कि हम इसको पढ़ सकें और अपने जीवन में उतार सकें, ये हमारा उद्देश्य था। इनको डेवलप करने के टाइम पर एक चीज जो हमें महसूस हुई वो कृपा, जो भी विचार दिमाग में आए कि हमको इम्प्लीमेंट करने हैं और वो पूरा करने के लिए लोग अपने आप जुड़ते गए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मेरे दिमाग में एक विचार आया कि किताब के अंदर हम ऐसा क्या करें कि लोग मंदिरों में जाते हैं, हम मंदिरों को किताब के अंदर कैसे ला सकते हैं, तो मेरे लिए एक असंभव काम था कि ये काम करना। मैंने ये शेयर किया रजत जी से और उन्होंने दीपक बिल्ला जी, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने कहा अरे ये क्या बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए एक मिनट का काम है। उन्होंने विद इन नो टाइम इन तीनों जगहों से वाराणसी से अयोध्या से कैनॉट प्लेस से सब तिलक लॉकडाउन के अंदर जब मंदिर बंद थे वहां से सोर्स करके हमको ला करके दे दिया। तो एक ही छोटा सा एग्जांपल है, थैंक यू दीपक जी फॉर ऑल द एफर्ट्स यू हैव डन, एक ही छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे कैसे दिमाग में विचार आया। कृपा एक ऐसी चीज थी इस प्रोडक्ट के साथ जिसको हमने निरंतर महसूस किया है और शायद जब आप भी मेरा दावा है आप लोगों से, जब आप भी जाकर के इसको बेचोगे और लोगों से मिलोगे आप उस कृपा को जरूर महसूस करोगे। हनुमान जी की कृपा हमारे पास है, कृष्णा की कृपा हमारे पास है, इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को बेच पा रहे हैं।
Now, to add to what Maan Saab had said, जो मेरे को लगा इस ग्रंथ के साथ इंपॉर्टेंट है, हमने इस ग्रंथ में क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल. किताब भगवद गीता हर घर में है, हनुमान चालीसा हर घर में है, YouTube पे फ्री अवेलेबल है, पर हम क्या पढ़ते हैं, हम क्या अपने जीवन में उतारते हैं, नहीं उतारते हैं. इनसे हमने क्या किया, नंबर वन हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, मल्टी सेंसरी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसको ऐसे फॉर्मेट में दिया जो कि इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है और जिसको लोग करना पसंद कर रहे हैं. उनके पास आती है तो बच्चे खेलते हैं, बूढ़े खेलते हैं, सम विजुअली चैलेंज पीपल आर एबल टू डू इट एंड हेंस उनको इंटरेस्टिंग लग रहा है. हमने इसको खूबसूरत बनाया. जनरली क्या साइकोलॉजी है हम लोगों की, कोई भी खूबसूरत चीज हो हम उसको ओन करना चाहते हैं. आप देखो हमारा जो मन है वो खूबसूरती की तरफ भागता है. भगवद गीता आज तक एक ऐसे फॉर्मेट में अवेलेबल थी, प्लेन टेक्स्ट रनिंग फॉर्मेट में था, हम उसको पढ़ने भी जाते थे, इतनी बोरियत होती थी कि मैंने कई बार पढ़ने की कोशिश करी बट इतनी बोरियत होती थी हम उसको आगे ले ही नहीं जाते थे, कहते थे यहीं बंद कर दो. बट जब हमने इसको खूबसूरत बनाया, इतनी खूबसूरत इलस्ट्रेशंस डाली, हमने इतने खूबसूरत सॉन्ग्स डाले, इतने खूबसूरत सिंगर्स डाले, तो लोगों का मन कर रहा है उसको पढ़ने के लिए, बिकॉज मन का स्वभाव है वो खूबसूरती की तरफ भागता है. तीसरा चीज है कि एक बहुत ही बढ़िया गिफ्टिंग ऑप्शन है किसी के लिए. ये आप किसी को भगवद गीता अगर आप गिफ्ट कर दो तो वो इस गीता को कभी भी मंदिर में रखेगा, घर की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर रखेगा. कोई और प्रोडक्ट गिफ्ट करके देख लो, 15 दिन तक रहेगा, 20 दिन तक रहेगा, उसके बाद उसको स्टोर में चला जाएगा, फिर डस्टबिन में चला जाएगा, फिर कूड़ेदान में चला जाएगा. ये एक ऐसा ग्रंथ है, किसी को आपने गिफ्ट कर दिया वो खुद इस जीवन से चला जाएगा बट वो ग्रंथ उसके घर से नहीं जाएगा कभी, और वो पूरी जिंदगी आपको याद रखेगा जब आप इसको गिफ्ट करके आते हो किसी को. तो इट्स अ एक्सीलेंट गिफ्टिंग ऑप्शन. मान साहब ने बहुत अच्छे से डेमो तो दे ही दिया है, और इसका बेस्ट एक्सपीरियंस आप जब खुद अपने हाथ में लेंगे इस प्रोडक्ट को, खुद अपने हाथ से फील करेंगे, खुद अपने हाथ से टच करेंगे, तो आप खुद ही इसका एक्सपीरियंस बेटर वे में शेयर कर पाएंगे रादर देन आई गिविंग अ डेमो अक्रॉस टू यू. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी. And now I would like to hand over this to Siddharth sir for concluding this webinar. Digital Granth, Shri Bhagavad Gita and Shri Sampurna Hanuman. I would like to thank Alka ji, Yogesh ji and Mr. Sunil Maan ji for today's session. Sunil Maan ji ne bahut acche se hame Shri Bhagavad Gita aur Shri Sampurna Hanuman डिजिटल ग्रंथ के फीचर्स के बारे में एक्सप्लेन किया और हमें समझाया. साथियों, आज इन दो अमेजिंग और यूनिक प्रोडक्ट्स के साथ पूरा सेफ शॉप परिवार बहुत गर्व महसूस करता है. साथियों, हमने सबने मिलके जो संकल्प लिया है 21 जून को 11 बजे 11 लाख हनुमान चालीसा उच्चारण करने का, उसमें हम सब अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये लक्ष्य बहुत छोटा था और इससे भी कहीं अधिक लोग इस अनुष्ठान का हिस्सा बनेंगे. और हमें पूरा विश्वास है कि हनुमान जी इस अनुष्ठान में हमें पूरी तरह से सफल करेंगे, और हनुमान चालीसा का उच्चारण इसमें कम से कम 1,21,00,000 बार या उससे अधिक होगा. आप सभी की इस कड़ी मेहनत और विश्वास के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई. हमें पूरा विश्वास है कि हनुमान जी हमारे इस प्रयास को सफल करेंगे, और यह अनुष्ठान कोरोना वायरस जैसे मुश्किल समय में संपूर्ण विश्व के लिए बहुत हितकारी साबित होगा, और इस अनुष्ठान की रोशनी, इसका प्रकाश हर घर में और हर परिवार में पहुंचेगा. साथियों, आज का ये वेबिनार यही समाप्त करते हैं. जय सेफ शॉप, जय हिंद.